उल्टी में फर्जी बंदूक लाइसेंस, 5 गिरफ्तार, सनसनीखेज जानकारी। आसनसोल के कुल्टी इलाके में फर्जी लाइसेंस के साथ बंदूक का उपयोग कर कई लोग निजी गनमैन के रूप में काम कर रहे थे। इस सनसनीखेज घटना में पहली सफलता दुर्गापुर के कोकोवन थाने की पुलिस के हाथ लगी, लेकिन घटना के आरोपियों से पूछताछ में और भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इसके बाद कुल्टी थाने की पुलिस ने अलग अलग जगह पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया और कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 डबल बैरल बंदूक, 3 सिंगल बैरल बंदूक और 18 राउंड ताजा कारतूस बरामद किए। पुलिस के मुताबिक ये बंदूक बिहार से लाई गई थी और रिसीवर के जरिए फर्जी लाइसेंस के जरिए बंदूक दी गई थी। आरोपियों का नाम डीकी यादव, शेख रेफाई, प्रकाश लोनिया, गोपाल केसरी और जगनारायण सिंह है। आरोपी कुल्टी थाना क्षेत्र के धेमामेन कुल्टी और झारखंड का रहने वाला है। ANM न्यूज ब्यूरो। इस बार तो लोकल है, ये लोग लोकल ही लाइसेंस बना के बेच रहे हैं, ठीक है। और पूरा गैंग तो ब्रेक हो गया है अभी, तो देखते हैं और किस किस को बेचा है, और कोई है तो उसको भी पकड़ लेंगे हम लोग। एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ऑफकोर्स, किंतु बड़ो गैंग जेटा है ओटा तो ब्रेक होएगा अच्छे, बट इफ एट ऑल देर आर मोर पीपल जिन्हें कीन लेने आते के उन्हें हमें धो लेंगे। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ANM न्यूज, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।